स्टूडेंट युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो वीडियो लेक्चर की बात कर रहे हैं वो है अपना टैली का, ठीक है। टैली का आज वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे और इसके पहले मैंने अभी सीपीसीटी का वीडियो लेक्चर अपलोड किया है। तो टैली में मैं आपको बाउचर पढ़ा रहा, क्या पढ़ा रहा, बाउचर, जिसमें एंट्री की जाती है और सारे बाउचर का जबरदस्त कॉन्सेप्ट दे रहा, ठीक है ना। तो आप मेरी पिछली वीडियो जाकर देख लेना, उसमें सारे के सारे बाउचर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैंने आपको परचेस बाउचर पढ़ाया, दूसरी चीज सेल्स बाउचर पढ़ाया, तीसरी चीज मैंने आपको पढ़ाया कॉन्ट्रा बाउचर, इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया रिसीप्ट बाउचर, और आज मैं पांचवें बाउचर पेमेंट बाउचर की बात कर रहा हूं। किस बाउचर की बात करें अपन, पेमेंट बाउचर की बात कर रहे हैं। तो यहां तक मैं आपको टैली में यूट्यूब में सब कुछ अपलोड कर दिया हूं, ठीक है। मैं आपको कॉन्ट्रा बाउचर की वीडियो अपलोड कर दिया हूं, रिसीव्ड बाउचर की अपलोड कर दिया हूं। आज अपन काम करेंगे पेमेंट बाउचर के ऊपर, पेमेंट बाउचर के ऊपर का कॉन्सेप्ट समझेंगे और इसका प्रैक्टिकल वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो आप हो सके तो पहले इनको देखिएगा फिर इसको देखिएगा, ओके। क्योंकि आप कोई भी बाउचर की एंट्री करोगे तो आपको सबसे पहले ग्रुप और लेजर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूं क्या पेमेंट बाउचर। पेमेंट का मतलब क्या होता है, हमारे पास से जो पैसा जाता है, जो हमारे पास से पैसा जाता है, जो पैसा जाता है वो किस बाउचर के अंदर उसकी एंट्री होगी, वो होगी पेमेंट बाउचर के अंदर। इसके पहले आपको मैं आप एक बात क्लियर कर दूं, पेमेंट और रिसीव में दोनों अंतर बता रहा हूं। मैं बोलता हूं कि ये मेरी कोई शॉप है, क्या है, एक मेरी ये शॉप है, इस शॉप का नाम है राम। क्या नाम है बेटा, राम, ठीक है ना। यहां से कोई भी मैं प्रोडक्ट खरीदता हूं, ठीक है, प्रोडक्ट क्या करता हूं, खरीदता हूं, परचेज करता हूं, ठीक है। और यहां पर कोई भी प्रोडक्ट मैं बेचता हूं, मतलब सेल्स करता हूं, कोई भी प्रोडक्ट बेचता हूं, यहां से खरीदता हूं और यहां पर सेल्स करता हूं। मैं आपको परचेस बाउचर और सेल्स बाउचर से रिलेटिव मैं आपको बता रहा पेमेंट बाउचर और रिसीव बाउचर। आप मेरे को ये बताओ कि यदि मैं कोई भी प्रोडक्ट यहां पर खरीदता हूं, ठीक है ना, जब मैं यहां पर कोई भी प्रोडक्ट खरीदूंगा और यदि मैं उधार खरीद लिया, क्या खरीद लिया बेटा, उधार खरीद लिया, अब ये बताइए कि जब मैं उधार खरीद लिया तो मैं ये पेमेंट इसी को करूंगा ना, तो जो भी मेरी पेमेंट होगी जहां से मैं परचेस किया हूं पेमेंट वहीं पर दूंगा, वो अधिकतर केस वही कहलाता है, ठीक है ना, कि ये अपना पेमेंट होगा। आप 75% जो पेमेंट करते हो वो अपने बिजनेस में करते हो, ठीक है, बाकी जो 25 हुई वो अपनी सैलरी आ जाती है, मजदूरी आ जाती है और जो भी प्रोडक्ट आता है वो हो जाती है। लेकिन 75% जहां से अपन प्रोडक्ट खरीदते हैं वहां पर अपन क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, मतलब हमारे पास से पैसा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, पेमेंट करना बोलते हैं। और यहाँ पर सेल्स में क्या होता है, जब मैं किसी भी कस्टमर को बेचूंगा कोई सामान, तो कस्टमर मान लो उधार में ले गया, क्या लिया, उधार में ले गया, जब वो मेरे को लाके पैसे देता है, ठीक है, तो अपन को ये पैसे क्या कहलाएंगे, ये कहलाएगा अपना क्या, रिसीप्ट कहलाएगा, ठीक, और ये क्या कहलाएगा अपना, पेमेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा बेटा, पेमेंट कहलाएगा। बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी कि मैं पहले जो चीज खरीदूंगा कुछ ना कुछ पैसे उधार किया, इसके बाद में मैं पेमेंट हमेशा परचेस की ओर करता हूं, और जो रिसीप्ट की एंट्री होती है वो हमेशा जो सामान मैं बेचता हूं, बेचने के बदले जो हमें पैसा मिलता है उसको बोलते हैं रिसीप्ट। 75% यहाँ भी कस्टमर के ऊपर होता है और यहाँ भी 75% जो मैं खरीदता हूँ वो होता है। अब बोलोगे सर कि जो 25% पैसा रिसीप्ट होता है वो कैसे होता है, जैसे मैं बोला कोई कमीशन हो गया, क्या हो गया, कमीशन,
ऐसी तमाम प्रकार की एंट्री रहेंगी जो मेरे पास क्या होंगी, रिसीप्ट होंगी और यहाँ पर पेमेंट होंगी, ठीक है ना। तो 75% मैं अपने बिजनेस में पेमेंट करूंगा, 75% से मैं अपने कस्टमर से पैसे लूंगा, बाकी जो अदर चीजें होती हैं वो 25% में सब कुछ जाती हैं। ओके, तो क्लियर हो गया कि पेमेंट क्या होगा, जहां जो कुछ भी मैं अपनी ड्रॉ से पैसे दूंगा वो सबका सब किस में आएगा, पेमेंट में आएगा, और जो भी कस्टमर से लूंगा मैं पैसा वो सब रिसीप्ट वाउचर में आएगा। तो ये होता है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर डिपेंड परचेस के ऊपर, रिसीप्ट वाउचर जो होगा वो किसके ऊपर होगा बेटा, सेल्स के ऊपर होगा। सिर्फ 75% की बात कर रहा हूँ, 100% की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया, इस स्ट्रक्चर को यदि आप समझ लिए तो यहाँ से आपके चार वाउचर क्लियर हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? चार वाउचर क्लियर हो जाते हैं। अपन जो खरीदते हैं वो अपना परचेस वाउचर हो जाएगा, जो बेचते हैं वो सेल्स हो जाएगा। ओके, अब यदि मैं कुछ खरीदा और उसकी पेमेंट करता हूँ तो चला जाएगा पेमेंट वाउचर में, और कुछ मैं यदि किसी को बेचता हूँ और वो पैसे मेरे को मिलते हैं बेटा तो वो हो जाएगा रिसीप्ट वाउचर में। बात समझ में आई? तो ये होता है पेमेंट वाउचर की कॉन्सेप्ट, और रिसीप्ट का भी बता दिया, फटाक से इसकी स्क्रीनशॉट करो। मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा आपको, वो चाहे टैली हो, चाहे वो CPCT हो, चाहे वो CCC का कोर्स हो, चाहे वो DC हो या PGDC हो, सारा चीज सारा कॉन्सेप्ट मैं डायग्राम से ही बताऊंगा आपको, ठीक है। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करिए। तो फिर अपन आगे चलते हैं और पेमेंट वाउचर कुछ एंट्रियां दिखते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं रफ करता हूँ, सौरभ इंक भरो। तो यहाँ पर मैं पहली एंट्री लिखता हूँ, 4000 रुपए कमीशन दिया। क्या किया बेटा? कमीशन दिया। कितने रुपए दिया? 4000 रुपए मैंने क्या दिया? कमीशन दिया। तो आप हमेशा लेजर एंट्री को देखना कि मेरी एंट्री बोल क्या रही है, और उसी के हिसाब से लेजर ही पहचानना है और उसी के हिसाब से वाउचर ही पहचानना है। ओके, तो एंट्री के ऊपर सब डिपेंड करता है। तो यहाँ पर यह देखना कि मेरी पहली जो लेजर रहेगी वो लेजर कौन सी बनेगी बेटा? कमीशन की बनेगी। क्या की बनेगी? कमीशन की बनेगी। अब बोलोगे कि जो ये कमीशन है इसके अंडर ग्रुप में क्या आएगा? पहली बात तो मैं दिया तो मेरे पास से पैसे गए। कोई भी चीज यदि मैं देता हूं तो मेरे पास से गया, गया तो खर्चा हो गया। अब ये खर्चा हुआ तो ये कमीशन दिया हूं तो कमीशन व्यापार में तो दिया नहीं जाता, तो ये जाएगा इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। किस में जाएगा बेटा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, ठीक है। तो आपको यदि ये क्लियर ना हुआ को कैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, तो जो हमारे बिजनेस में खर्चा होता है लेकिन हमारे बिजनेस के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और हमारे बिजनेस हमारे व्यापार में भी प्रभाव पड़ता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। बोले तो मैंने बोला 4000 रुपए की मैंने टेबल ले आया व्यापार के लिए, तो मेरे व्यापार में क्या इफेक्ट पड़ा कि मेरे पास एक टेबल आ गई। क्या 4000 रुपए कमीशन दिया तो मेरे व्यापार में कुछ आया? नहीं आया, लेकिन पैसा चला गया। पैसा इसमें भी गया, पैसा इसमें भी गया। जो पैसा इसमें गया तो मेरे पास टेबल आई, जो पैसा इसमें गया तो मेरे पास कुछ भी नहीं आया। इसलिए बोल दिया बेटा कि जो ये है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ओके, अब थोड़ा सा देखना इसकी एंट्री कैसे करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये मेरी क्या है? पेमेंट वाउचर की विंडो है। किसकी है बेटा? पेमेंट वाउचर की विंडो है। यहां पर मैं बताया, मैं लिखा यहां पर अकाउंट है। क्या है बेटा? अकाउंट है। ओके, अब अकाउंट में अपनी क्या आएगा? कमीशन मेरे को क्या हुआ? मैं दिया हूं, ठीक है ना, कमीशन मैं दिया हूं, तो मेरे पास से गए क्या है? कैश गए है ना। और कहे का दिया हूं मैं कमीशन, तो मैं यहां पर कमीशन दिया हूं, ठीक है। एक बार और देखना, मैं पेमेंट वाउचर की एंट्री करूंगा तो यहाँ पर अकाउंट में क्या आएगा? थोड़ा सोचिए, कमीशन आएगा या कैश आएगा?
यहां पर आएगा कमीशन कैश, कमीशन दिया, ठीक है। और यहां पर क्या जाएगा, कैश जाएगा, कैश में कमीशन दिया। कितना दिया बेटा, मैंने दिया 4000 रुपए। तो इस प्रकार की एंट्री होगी पेमेंट वाउचर में, ठीक है। इसके बाद मैं दूसरी लेजर की बात करता हूं, तो दूसरी लेजर जो लिखूंगा, अब देखना दूसरी लेजर में कैसे लिखता हूं। मैं लिखता हूं रूम रेंट 3000 रुपए दिया। क्या दिया, रूम रेंट मैंने 3000 रुपए दिया। तो अब बताइए इसकी एंट्री कैसे होगी। मैं यहां पर लिखता हूं रूम रेंट 3000 रुपए दिया। फटाक से सोचिए इसमें लेजर क्या बनेगी। तो अपन ने क्या यहाँ अगली एंट्री रूम रेंट 3000 रुपए दिया, तो मेरी लेजर जो बनेगी, पहली चीज तो ये है कि अपना बनेगा रूम रेंट का, क्या बनेगा, रूम रेंट की लेजर बनेगी। और इसके अंडर में क्या आएगा बेटा, बताइए थोड़ा सा, इसके अंडर में आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, ठीक है। अब इसकी एंट्री कैसे होगी देखना। यहाँ पर मैंने यहाँ पर वाउचर खोला और यहाँ पर मैंने अकाउंट दे दिया, ठीक है। क्या दे दिया, अकाउंट दे दिया। अब यहाँ से ये बताइए, मैंने कैश दिया ना, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, कैश। और दिया क्या, मैं रूम रेंट दिया, तो यहाँ क्या जाएगा अपना, रूम रेंट कितना आएगा बेटा, रूम रेंट मैंने दिया यहाँ पर 3000 रुपए, तो यहाँ पर आएगा 3000 रुपए। सेम एंट्री इसकी भी होगी, जो आप देते हो मतलब कि मोड़ क्या है देने का, वो आएगा यहाँ पर। जैसे मैं दिया कैश, कैश दिया ना, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा, जो फर्स्ट एंट्री है इसमें कमीशन जो आएगा वो यहाँ पर आएगा, ध्यान रखना। उसमें शायद मैंने शायद ऊपर नीचे कर दिया था, जी हाँ ऊपर नीचे कर दिया था, तो आप थोड़ा सुधार लेना। यहाँ पर कैश आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, रूम रेंट आएगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये दो एंट्री आपको बता दिया। इसी प्रकार अपन जनरल वाउचर की भी एंट्री सीखेंगे, ठीक है। तो अपन ने 5 वाउचर क्लियर कर लिए, छठवां वाउचर रहेगा जनरल वाउचर, जो मैं आपको जनरल वाउचर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जनरल वाउचर क्या होता है, कैसे उसकी एंट्री की जाती है, ओके। तो ये होता है अपना पेमेंट वाउचर, तो आप इसको उतार लीजिएगा और यहाँ पर एंट्री करके आप एक बार प्रैक्टिकल में देखना, ठीक है। मैं वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।